लोकायुक्त इंदौर की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खंडवा में अपने कार्यालय में जीएससी सुपरिटेंडेंट को 20,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। उसने सनावत के एक अकाउंटेंट से कार्य कराने के एवज में 20,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। अकाउंटेंट द्वारा लोकायुक्त को इसकी शिकायत की थी और आज जीएसटी के सुपरिटेंडेंट मुकेश त्रिपाठी इस मामले में रंगे हाथों पकड़े गए हैं। राहुल बिरला निवासी सनावत ने इस मामले की शिकायत की थी। मैं सनावत से हूँ, मेरी फर्म का नाम है लक्ष्य अकाउंटिंग सॉल्यूशन। मैं एक अकाउंटेंट का कार्य करता हूँ। जीएसटी अधिकारियों के द्वारा रिश्वत की मांग की गई है, जिसमें आज की रिश्वत थी 20,000 रुपये। इसमें एक मेडिकल फर्म की जीएसटी नंबर इन्होंने सस्पेंडेड कर दिया था। वो सस्पेंडेड का रीज़न अदर था, जिसका कोई कार्य नहीं था। उन्होंने सस्पेंडेड करके, मैं जब इनके पास मिलने आया तो इनका कहना था कि भैया हम ये कार्य कर देंगे पर उसके एवज में आपसे पेमेंट लगेगा। तो इसके साथ में मेरे पास तीन अमेंडमेंट है। तीन अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार करना, और सस्पेंडेड का मतलब होता है जीएसटी नंबर को कैंसिल करना। पहली बात अपन करें कि जीएसटी नंबर कि इन्होंने रिश्वत की, पूरे संपूर्ण कार्य की 20,000 रुपये इनके द्वारा रिश्वत मांगी गई मेरे द्वारा, मेरे से। आज मैंने फिर मंगलवार के दिन लोकायुक्त टीम को कांटेक्ट किया, जिन्होंने मुझे फुल सपोर्ट करा, जिनकी बदौलत आज ये मिस्टर मुकेश त्रिपाठी जो सीजीएसटी में सुपरिटेंडेंट है, इनको आज रिश्वत। एक सेंट्रल जीएसटी के सुपरिटेंडेंट है मुकेश त्रिपाठी, ये 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ाए हैं इनके कार्यालय के कक्ष में। सनावत के रहने वाले हैं राहुल बिरला, ये अकाउंटिंग और जीएसटी फाइलिंग का काम करते हैं। इनकी सनावत में एक फर्म है लक्ष्य अकाउंटिंग सॉल्यूशन के नाम से। इनके द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त राजेश साह है, जो इंदौर पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त हैं, उनके समक्ष उपस्थित होकर एक शिकायत की गई कि जो सेंट्रल जीएसटी में पदस्थ हैं सुपरिंटेंडेंट मुकेश त्रिपाठी, ये हर बात के पैसे मांगते हैं। इनके जो है एक किसी जिस फर्म के लिए ये एक कोई फर्म थी मेडिकल फर्म, उसको सस्पेंड कर दिया गया था, और तीन फर्में और थीं जिनका पता और मोबाइल नंबर इन्हें अमेंड कराना था, उसके लिए अलग अलग जो है इनसे रिश्वत की मांग की जा रही थी। जो सस्पेंडेड फर्म थी उसको रिवोक करने के लिए 10,000 रुपये, और बाकी जो फर्में थी उनके अमेंडमेंट जो मोबाइल नंबर और एड्रेस में अमेंडमेंट के लिए जो है 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही थी। ऐसे टोटल 20,000 रुपये की रिश्वत इनके द्वारा मांगी गई थी। जिस इनकी शिकायत पर शिकायत का सत्यापन कराया गया, रिकॉर्डिंग में रिश्वत की राशि जो 20,000 थी वो इनसे मांगा जाना पाया गया था। उसी तारतम्य में आज ट्रैप दल का गठन किया गया, और अभी इनके सुपरिंटेंडेंट कार्यालय में इनको रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत इनके विरुद्ध अभी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।